हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, सुबह का टाइम है और देख सकते हैं कि हमारे रैबिट बाहर निकले हुए हैं और मस्ती कर रहे हैं। और देखिए, इनका गार्ड भी आ गया दोस्तों। देख सकते हैं दोस्तों, ये जो है कि सब्जी के छिलके जो है यहाँ पड़ा हुआ है, उसे खा रहे हैं। और दूसरे जो हैं कुछ रैबिट दोस्तों, हमारा ब्लैक वाला रैबिट, ये देखिए मिट्टी खोद रहा है दोस्तों। ये जो है इधर से उधर केवल मिट्टी खोदने का काम करता है। देखिए, गड्ढा कर दिया। यहाँ तीन चार तुलसी के पौधे थे जिन्हें ख़त्म कर चुका है, और कुछ पौधे हैं तो उनकी जड़ों को खोद रहा है। देखिए, आप नज़दीक से देख सकते हैं। बाकी के जो रैबिट हैं दोस्तों, इधर की तरफ है। ये छोटे बच्चे दोस्तों अब लगभग 45 दिनों के हो चुके हैं, देख सकते हैं आप। और अपनी माँ के साथ यहाँ पे घूम रहे हैं। और एक जो है छोटा बच्चा जो है दोस्तों यहाँ है, देखिए 5 में सिर्फ 3 रह गए हैं। बाकी एक तो डेड कर गया था दोस्तों, और एक जो है एक दोस्त लेकर चला गया। तो आप देख सकते हैं, ये भी काफ़ी मस्ती करते हैं। देखिए, देखिए दोस्तों, ये जो है केवल उन्हें सूंघता है, कभी नुकसान नहीं पहुंचाता दोस्तों। ये इनकी गार्डिंग करता है जिससे कि बिल्ली ना आए। और ये देखिए, मतलब कि नुकसान करने का जिम्मा इसने उठा रखा है। ये देखिए, ये देखिए, देख सकते हैं दोस्तों, देखिए कैसे मस्ती कर रहा है। देखिए, और इनके साथ जो है उनका गार्ड भी, देखिए कैसे मस्ती कर रहा है। देखिए दोस्तों, फिर से ये पहुंच गए हैं मिट्टी खोदने। तो चलते हैं इनके पास और इन्हें भगाते हैं यहाँ से, नहीं तो ये पौधा नष्ट हो जाएगा, क्योंकि जड़ों को खोद देते हैं ये। आप देख सकते हैं कितनी तेज़ी से ये खोद रहा है। तो इन्हें भगाते हैं दोस्तों। ये देखिए, ये फीमेल रैबिट है दोस्तों, ब्लैक आइज। और बाकी जो सफ़ेद वाले हैं, देखिए देखिए दोस्तों, देखिए ये एक पंजा पड़ा हुआ है इसे दोस्तों। बाकी के दो रैबिट जो हैं अपने घर में चले गए दोस्तों, और बच्चे जो हैं यहाँ पे हैं। देखिए, ये भी आ गई, ये रही वो फीमेल रैबिट। नींबू के छिलके हैं दोस्तों, देख सकते हैं आप, और नींबू के छिलके खा रहे हैं ये।
दोस्तों इन्हें जो है थोड़ा सूखा चारा भी देते हैं, हरी घास भी देते हैं, और इसके बाद कुछ सब्जियों के छिलके जैसे मटर के छिलके हो गए, गोभी के पत्ते, ये सब भी हम दे देते हैं, तो ये खा लेते हैं दोस्तों। और बाकी इनके लिए जो है थोड़ी सी हमने यहाँ पे मिट्टी रखी हुई है, यहाँ पे मिट्टी खोदे फिर भी जाके पौधों की जड़ों को खोदने लगते हैं ये। तो देखिए एक पहुँचा है और मिट्टी खोदेगा, दोस्तों जो है कि ये वाला जो ब्लैक रैबिट है ये एक मेल रैबिट है दोस्तों, और ये भी जो इधर से जा रहा है ये भी एक मेल रैबिट है, जिसकी वजह से अक्सर इन दोनों में फाइट होती रहती है दोस्तों। आप देख सकते हैं जो ब्लैक वाला रैबिट है वो चूँकि छोटा है और सफ़ेद वाला रैबिट बड़ा है, तो बड़े होने का फ़ायदा ये इसका है कि हमेशा छोटे वाले रैबिट को मार देता है दोस्तों, जिसकी वजह से जो ब्लैक वाला रैबिट है यहाँ पे ये हमेशा डरता रहता है दोस्तों। और नज़दीक से हम दिखाते हैं, देखिए फिर से ये जो है कि पौधे के पास पहुँच गया है दोस्तों, ये देखिए क्या कर रहा है। ये देखिए दोस्तों रैबिट जो है आपस में मस्ती कर रहे हैं और उनका गार्ड जो है अकेले ही मस्ती कर रहा है, कैसे उसके पीठ में लगता है खुजली हो रही है दोस्तों, अपनी पीठ की खुजली मिटा रहा है वो। और बाकी के रैबिट्स देखिए, ये देखिए छोटा बच्चा उसके पास आया भग गया, ये दूसरा वाला बच्चा दोस्तों, और ये अकेले ही अपने आप में मस्त है, आप देख सकते हैं कैसे मस्ती कर रहा है। और जो रैबिट हैं दोस्तों देखिए, बच्चा जो है नीचे देख रहा है और वो फीमेल रैबिट है दोस्तों, ये देखिए सारे रैबिट इसके पास आ गए और अब भाग गए। ऐसे ही दोस्तों पूरे दिन ये मस्ती करते रहते हैं, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इन्हें थोड़ा सा मटर का छिलका देते हैं खाने को, क्योंकि अभी तक हमने कुछ दिया नहीं है, तो चलिए दोस्तों मटर का छिलका देते हैं। तो दोस्तों हमने इन्हें मटर का छिलका दे दिया है और ये मटर का छिलका आप देख सकते हैं कितने मज़े से खा रहे हैं, नन्हे बच्चे भी हैं जो दोस्तों मटर का छिलका बहुत पसंद करते हैं। और इसमें कुछ जो है दोस्तों हमने गोभी के डंठल भी रखे हुए थे, तो आप देख सकते हैं बड़ा वाला रैबिट गोभी का डंठल खा रहा है और उधर एक छोटा वाला बच्चा भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, थैंक यू दोस्तों।